पहाड़ों को काट करके ये बीच से आप देख रहे हैं कि रेलवे का ट्रैक जो है निकाला गया है, और ये आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि ये कहाँ का हो सकता है। तो दरअसल दोस्तों ये बिहार का है, और बिहार का भी अगर हम बोले तो ये नालंदा के आसपास का है। तो ये सुनकर के आपको भी लग रहा होगा कि ये कहाँ है, तो पूरा वीडियो देखें, आपको जानकारी मिल जाएगा कि ये कहाँ है। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप भी, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएंगे यहाँ घूमने और देखने के लिए। तो जल्दी से पूरा वीडियो देखें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा, और जल्द ही आप भी आएंगे यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए। तो देखिए कैसा है ये पूरा वीडियो, और बताएंगे दोस्तों आप अपने कमेंट से बताएं। राजगीर से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पड़ता है, और खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। और मतलब कि ये देखिए, ऊपर से आप ये पहाड़ देख लीजिए, काफ़ी आपको जो है एडवेंचर जैसा और ख़तरनाक वाला फीलिंग आने वाला है यहाँ आएंगे तो। और अगर आप राजगीर आते हैं तो जेठियन आपको बिल्कुल आना चाहिए। देखने के बाद आपको क्या लग रहा है ये कि ये बिहार है? बिल्कुल ये बिहार का ही है दोस्तों। अगर आप राजगीर से 20 किलोमीटर है, बस 20 किलोमीटर, और जेठियन घाटी के नाम से जाना जाता है, और इसी रास्ते से होकर के आप दशरथ मांझी जो पथ है, जो पहाड़ों के काट करके रास्ता बनाया गया था, यहीं से होकर के जाना पड़ेगा। यहाँ से और आगे है, यहाँ से 20 किलोमीटर, तो वो आप दशरथ मांझी पहुँच जाएंगे। और राजगीर से ये 20 किलोमीटर आगे है, और यहाँ से आप देख लीजिए कितना सुंदर है, और रास्ते भी देख लीजिए किस तरह से घुमा करके ऊपर, रास्ते भी किस तरह से घुमा करके ऊपर पहाड़ पे लाया गया है। और चट्टान जो है एकदम सीधा खड़ा है, और इस तरह का चट्टान है, और नीचे से अगर आप गुजरेंगे यहाँ से तो काफ़ी ख़तरनाक लगेगा आपको देखने में, और काफ़ी अच्छा भी आपको फीलिंग आने वाला है एडवेंचर वाला। और उधर भी आप देखिए, दूर का भी जो यहाँ से दृश्य दिखेगा ना पहाड़ वाला, तो वो भी काफ़ी मनोरंजन, मतलब कि काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। और यहाँ देखिए आप, इधर से रास्ता जो है बार बार आपका मुड़ाव है, तो यहाँ थोड़ा गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो स्लो गाड़ी आपको चलाना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो जब भी आप कभी राजगीर आते हैं, दशरथ मांझी पथ जाना होगा, तो आपको इसी रास्ते से जाना होगा। अभी उस जगह से वीडियो बनाया था तो नीचे की तरफ कैसा दिख रहा था वो देखे ही थे, और अब देखिए नीचे से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो सबसे यहाँ पे जो देखने का एकदम सबसे अच्छा सुंदर जो लगता है, ये आप पहाड़ जो देख रहे हैं ना सीधा खड़ा है, और उसके नीचे आप देखिए इस तरह से रोड है, तो काफ़ी ख़तरनाक लगेगा, और डर जैसा लगता है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना गिर जाए हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर, जब जब भी आप यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो इधर आपको आना है दोस्तों, तो जब भी आप नालंदा राजगीर आते हो बिहार का, तो वहाँ से बस 20 किलोमीटर है, और जेठियन घाटी के नाम से इसे लोग जानते हैं, और काफ़ी शानदार है। और रास्ता जो यहाँ का है, देख लीजिए किस तरह से टर्निंग है, यहाँ से आप जाएंगे तो उधर से देखिए गाड़ी जो आ रही है छोटी सी, और इसी तरह से आपको ऊपर जा कर के पहाड़ के दूसरी तरफ से जाना होगा, और यहीं से 20 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो दशरथ मांझी पथ आ जाता है, जहाँ पे पहाड़ को काट करके रास्ता निकाला गया है। तो वो भी देखने जाएंगे तो आपको यहीं से होकर के जाना होगा, तो देख लीजिए किस तरह से है। तो जब भी आप बिहार आते हैं घूमने, खास करके राजगीर, तो आप यहाँ भी ज़रूर आएँ दोस्तों। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं बिहार के इसी तरह से किसी और टूरिज्म वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।